बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। आप देख रहे हैं एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस, मैं शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। तहसील मुख्यालय स्थित अध्यक्ष प्रमोद नागवंशी के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी किरणापुर सोसरी निकिता मंडलोई जी व जनपद शिक्षा केंद्र अधिकारी किरणापुर आई के तेकाम ने ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि समस्त विभाग के पेंशन विहीन कर्मचारी अधिकारियों ने नवीन पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार पर आधारित वर्तमान योजना से कर्मचारियों को काफी नुकसान हो रहा है। जिस समय जो बाजार भाव होता है उसी अनुरूप जमा राशि का भुगतान होता है। कुल जमा राशि में से 40% राशि पर 6% की सालाना दर से पेंशन भुगतान होता है, जिसका महज 700, 800, 1500, 2000 तक पेंशन निर्धारण होता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन तय होता था, जिसमें समय समय पर राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा देयक राशि भी पेंशनधारियों को मिलता था। इससे कर्मचारियों के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कायम थी। वर्तमान पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए बेहद कष्टकारी है। मांग को लेकर कसडोल विकासखंड मुख्यालय में भी पेंशन विहीन कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख देवेंद्र तिवारी प्रांतीय महासचिव किरणापुर, डीके पटेल जिलाध्यक्ष, अरविंद कोरे राज्य अध्यापक संघ किरणापुर, शैलेंद्र सिंह चौहान मीडिया प्रभारी किरणापुर से जुड़े लोग शामिल हुए। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए किरणापुर से विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भीमटे की रिपोर्ट। ज्ञापन कार्यक्रम जिसके तहत जो है प्रदेश स्तरीय और दूसरा ज्ञापन एक और मैडम, हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा हम लोगों से संबंधित जो भी एरिया से अन्य वेतन विलम्ब से देना, आयुक्त का आदेश होने के बावजूद भी जो है दो दो तीन तीन महीने विलम्ब से देना, इनसे बोलें तो ये आपस में खुन्नस हो बुराई, आपस में क्यों लड़ें आपस में अधिकारी कर्मचारी मिलकर। तो निवेदन है कि इस संबंध में भी आप कलेक्टर साहब से या आप भी जो है बीओ साहब से चर्चा करके ये आयुक्त का ऑलरेडी दो माह मेरे साथ ऐसे ही आके बात चल रहा है तो आप बीओ साहब को थोड़ा सा क्या उनका स्टाफ जो है उनको क्लरिकल जो है ना मिसगाइड करता है और अनावश्यक हमारे कर्मचारियों से इस संबंध में बुराई है। संगठन से टकराहट से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। आप हम लड़े क्या मतलब नहीं, तो आप ये मैं तो कह रही हूँ आप आकर मेरे ऑफिस में आकर बैठ नहीं, अभी हम बीओ साहब से ही करवाते हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मैडम प्रमोद नागवंशी जी और अरविंद कोरे जी कहाँ ये आप भी हैं, तो हमारे शिक्षक यूनियन के हैं, आप भी आकर के मैडम के समक्ष मैडम मैं बीओ साहब को जिस दिन बुला लूँगी मैं बता दूंगी आपको, तो दोनों ये तो मैं अभी और आप लोगों का इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्रशासनिक में आप भी हमारी पुरानी आप प्रत्यक्ष रूप से सहयोग